हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ दशाओं के बारे में। और ये हमारी जो एग्जिस्टिंग सीरीज चल रही है कि आप अपने चार्ट को एनालाइज कैसे करें, उसमें ये 10th वीडियो है, 10वीं वीडियो है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। देखिए दोस्तों, हमने आपको प्लैनेट्स का बिहेवियर भी बताया है पिछली अपनी वीडियो में। अब हम विमशोदरी दशा के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को दशाओं के फल देने में बड़ी कठिनाई आती है एस्ट्रोलॉजी में, और नेचुरल है, ये बहुत ही उलझी हुई क्रिया है, प्रक्रिया भी बहुत ही कठिन है। लेकिन काफी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं जब हमें प्लैनेट्स के बिहेवियर के बारे में पता लग जाए, और उन प्लैनेट्स के बारे में पता लग जाए जो प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन करते हैं, या पैसिव होते हैं या एक्टिव होते हैं। दूसरा, हर प्लैनेट कारका किसका है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिडिक्शंस के टाइम इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स उसमें आप ये भी देखेंगे कि हमारा कारक प्लैनेट है या मारक है। आप ये भी देखेंगे वो कारक प्लैनेट मारक का काम कर रहा है या मारक कारक का काम कर रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि कारक प्लैनेट किस हाउस में है और किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छे हाउस में बैठा है या नहीं। और फिर उसमें आपने ये भी देखना है कि जो महादशा है वो कारक की चल रही है या मारक की चल रही है, उसमें अंतरदशा मारक की या कारक की है। प्रयंत्रदशा को भी इसी तरीके से आपने देखना है, कम से कम प्रयंत्रदशा तक आप जाइए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप अंतरदशा तक जाइए, यानी कि महादशा किसकी है और अंतरदशा किसकी है, यहां तक जाइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस लग्न की कुंडली देख रहे हैं। अगर सपोज एरीज लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं तो इसमें कारक प्लैनेट मंगल है, गुरु है, सूर्य है, चंद्र है, यही तो है कारक प्लैनेट्स। बुध मारक है, शनि मारक है, शुक्र न्यूट्रल है, राहु केतु तो उनको आप मारक ही मानो, क्योंकि मंगल के चार्ट में राहु केतु भी मारक ही होते हैं, अच्छे फल नहीं देते। अब आपके सामने ये एक पूरा का पूरा स्टेटस आ गया प्लैनेट्स का। अब हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं, मंगल के लग्न का चार्ट है, कारक प्लैनेट गुरु है, गुरु सुपोज आपके पांचवें घर में बैठा हुआ है। पांचवा घर किसका है, संतान का है। और पांचवें घर में राशि किसकी है, सूर्य की राशि है। जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है वहां नक्षत्र मिलते हैं तीन, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। मघ नक्षत्र केतु का है, पूर्व फाल्गुनी शुक्र का है, उत्तर फाल्गुनी सूर्य देव का अपना नक्षत्र है। अगर सूर्य देव मघ नक्षत्र में पड़े हुए हैं, सुपोज सूर्य देव मघ नक्षत्र में पड़े हुए हैं, सॉरी गुरुदेव, गुरुदेव वहां बैठे हैं, गुरुदेव मघ नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मघ नक्षत्र का लॉर्ड जो है केतु वो आपके भाग्य में ऊंच का बैठा हुआ है, तो गुरु में केतु की दशा आपको पुत्र संतान दे सकती है, क्योंकि गुरु संतान भाव में बैठे हुए हैं, केतु भाग्य में बैठा हुआ है, और मघ नक्षत्र में गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो जब गुरु महादशा में केतु की महादशा चलेगी तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप संतान से ब्लेस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान
50 साल का है, तो आप ये तो उसे नहीं कह सकते आप संतान से ब्लेस हो सकते हैं। कोई भी निष्कर्ष पे आने से पहले आपने तीन चीजों का ध्यान रखना है, काल, पात्र, देश। काल का मतलब कौन से काल में हो आप, और पात्र का मतलब उसकी पात्रता है, और देश का मतलब आप किस देश में वो रहता है। जो चीजें इंडिया में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो वो चीजें पाकिस्तान में तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, जो यूएसए में प्रेडिक्ट कर सकते हो वो इंडिया में तो नहीं कर सकते। तो आपने टाइम और देश ये जरूर देखना है। एक यूरोपियन सिटीजन या यूरोप में बसे हुए इंसान के बारे में आप प्रेडिक्शंस अलग तरह की दोगे, और एक बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्री उसके बारे में अलग दोगे। तो अगर कोई आदमी 50 साल का है उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपको जी संतान होने वाली है, बेशक प्लैनेट्स वही चल रहे हैं। अब ये इसलिए नहीं कह सकते कि गुरु में जब केतु की अंतर्दशा आएगी तो उसके बड़े फल मिलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ संतान मिलती है। नहीं, इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अग्रसर हो जा रहा है, रिलीजियस हो जाता है, क्योंकि केतु रिलीजियस घर में बैठा हुआ है मुझका होकर, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की एडवांसमेंट में भी ले जा सकता है। ये दूसरी प्रेडिक्शन हो गई। तीसरी प्रेडिक्शन हो गई, अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ आपको लाभ भी हो सकते हैं। चौथी प्रेडिक्शन ये हो गई कि आपकी जो संतान है वो फॉरेन ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि संतान के घर में गुरु बैठा हुआ है, केतु फॉरेन ट्रैवल के घर में बैठा हुआ है। पांचवी प्रिडिक्शन ये हो गई कि आपकी संतान विदेश में एजुकेशन लेने जा सकती है। छठी ये हो गई कि आपकी संतान किसी इंटरनेशनल ट्रिप में किसी धार्मिक स्थान पे जा सकती है, और अगर आदमी यंग है एंड उसने आपसे क्वेश्चन किया है कि मैं संतान के लिए चेष्टा कर रहा हूं और उसके लिए मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं तो मेरी संतान के योग कब बनते हैं, तो आपने ये बता देना है कि इस दशा में आपके संतान के योग बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, गुरु पे शनि का एस्पेक्ट, गुरु पे राहु का एस्पेक्ट, गुरु पे मंगल का एस्पेक्ट, ये इसको इंपैक्ट करेगा। वो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा या नेगेटिव इंपैक्ट करेगा वो भी आपने देखना है। अगर सुपोज मंगल जो है दूसरे घर में बैठा हुआ है तो नेचुरली वो इसको इंपैक्ट करेगा, और संतान जल्दी हो सकती है। और अगर मंगल किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड आठवें में बैठा हुआ है तो मंगल ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, एबॉर्शन करवा सकता है। मंगल सुपोज दूसरे घर में हम एक कृतिका नक्षत्र मिलता है, कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य बारहवें में बैठा हुआ है या सूर्य आठवें में बैठा हुआ है और गुरु यहां बैठा हुआ है, मंगल उसको इंपैक्ट कर सकता है बैडली, मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि मंगल को सूर्य भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो चीजें भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर मंगल की दृष्टि संतान भाव पे थोड़ी सी अच्छी मानी भी नहीं जाती क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, वहां गुरु बैठा हुआ है, इसलिए मतलब यहां पर इसलिए चीजें अच्छी ही मिलेंगी क्योंकि गुरु कैन हैंडल एवरी प्रॉब्लम। लेकिन कोई और ऐसा प्लैनेट है जो संतान भाव में बैठा हुआ है तो उसको मंगल डेफिनेटली डैमेज करेगा। अब यहां दूसरा
ले लेते हैं, या राहु ही बैठा हुआ है, मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो अबॉर्शन के चांसेस पूरे बनेंगे। अब राहु क्योंकि कारक नहीं है संतान का, मैलेफिक एनर्जी है, तो आप ये नहीं कह सकते राहु संतान भाव में बैठा हुआ इसलिए संतान दे देगा, और फिर मंगल की भी दृष्टि है तो वो तो संतान का नुकसान करेगा। कारक का जरूर देखना है आपने, योग कारक जरूर देखना है, यानी कि अगर इस भाव में गुरुदेव बैठ गए, सूर्यदेव बैठ गए, चंद्र बैठ गया, मंगल इवन बैठ गया अच्छे तरीके से, अच्छे किसी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में बैठ गया और शुक्र कहीं अच्छा बैठ गया, तो ये संतान का योग बना देगा। या शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, या और तो कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत, शनि से डिले रहेगा, राहु से भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर अगर ये बैठे हुए हैं और आदमी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और उसी की ही दशा महादशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, महादशा और अंतर दशा में बहुत फर्क है। महादशा जब चलती है तो आपका एक ट्रेंड सेट हो जाता है, इन्फीरियर या सुपीरियर या एक्सीलेंट, मतलब मेरे अगर चार्ट में मारक प्लैनेट की महादशा चल रही है और मारक प्लैनेट कहीं अच्छा बैठा हुआ है, किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो ये दशा एवरेज रहेगी। मेरे चार्ट में अगर मारक प्लैनेट की महादशा चल पड़ी और मारक प्लैनेट कहीं खराब घर में बैठा हुआ है, तो ये बुरी दशा चलेगी। ये दशा ट्रेंड ये सेट हो गया उतने टाइम के लिए जितनी महादशा हमारी रहनी है, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 19 साल, व्हाटएवर, या 7 साल, 6 साल, जो भी पीरियड है उस प्लैनेट का, लेकिन उसमें अंतरदशा उसको इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ज्यादातर रिजल्ट्स आपने अंतरदशा को मद्देनजर रख के ही देखने हैं। अंतरदशा इज वेरी पावरफुल इन गिविंग द रिजल्ट्स। बुरी महादशा में अच्छी अंतरदशा आ गई तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारा ग्राफ ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हमारा जो एक ट्रेंड है वो आपने महादशा को देख के सेट करना है कि ये ट्रेंड अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है या बुरा है। तो ये ट्रेंड आपको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार कई लोगों की लाइफ में बड़ी ट्रबल्स होती हैं, आप चार्ट देखते ही कहते हो यार क्या बताने लायक तो कुछ है ही नहीं, तो उनकी जो मार्क प्लैनेट्स भी खराब होते हैं, कारक भी खराब पड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्लैनेट जो कनेक्ट कर रहा है वो 12वें में 8वें में फंसा हुआ है या 3रे में फंसा हुआ है या 6ठे में, मतलब उनके सारे प्लैनेट्स को जब आप देखते हैं नक्षत्र के थ्रू या राशि लॉर्ड के थ्रू, हर प्लैनेट फंसा हुआ है। इन लोगों की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहता है, बहुत हार्डशिप रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट्स कौन से हैं जो कि किसी भी एक्टिविटी को अंजाम दे देते हैं। कोई आपके पास कपल आया, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरा सर, आपने देखा कि उसकी वैवाहिक जीवन में ट्रबल्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, 6ठे घर में पड़ा हुआ है उसका 7वें का स्वामी और उसी की दशा चल रही है। अब वो कहेगा सर मेरा तो डिवोर्स केस भी फाइल्ड है, अब मुझे बताओ कि मेरा फैसला कब होगा। अब दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब इसको आंसर तो आपने करना ही पड़ेगा अगर आप चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो आप उसमें देखिए कि इस इवेंट को अंजाम देने वाला प्लैनेट कौन सा है, इस इवेंट को अंजाम देने वाला पहला प्लैनेट है केतु। केतु इज ए फायरी प्लैनेट और एकदम झटके से वो अंजाम दे देता है। दूसरा प्लैनेट है मंगल, और मंगल के बाद आप राहु को भी कह सकते हैं। शनि नहीं अंजाम देता, शनि लटकाता है चीजों को,
शनि की दशा चल पड़ी, अंतर दशा प्रयंत्र दशा आ गई, वो कहता जी मेरी तो कोर्ट केस चल रहा है, मेरी तो इसी साल ही मेरा फैसला हो जाएगा जी, वो आपको खुद ही बता देता है, आप देखो मेरे। तो आपने ये देखना कि केतु की दशा का बारी है, प्रयंत्र दशा, छोटी दशा, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने की, ठीक है जी। उस टाइम आपने प्रेडिक्ट कर देना बेटे ये तेरा इस दशा में तेरा काम हो जाएगा। अब कोई आदमी आता है, आप देख लेते हो उसकी चार्ट में, उसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स है, वो कहता जी बहुत प्रॉब्लम्स है, दिन रात का झगड़ा है, आप भी देख लेते हो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, 8वें घर में है, शादी के घर का स्वामी या 6ठे में है या 12वें में है, और भी कई कंजंक्शन बुरे पड़े हुए हैं राहु केतु जैसे। अब वो कहता जी अब ये मुझे बताओ ये ठीक हो जाएगा मेरा वैवाहिक जीवन या ऐसे ही चलेगा और आगे क्या है। तो अब आप दशाओं पे आना है, प्लैनेट्स के नक्षत्र देख के दशाओं पे आना है। अब अगर कोई ऐसी दशा आ रही है जो कि उसके भाग्य से रिलेटेड है, या उसका कोई बुरा प्लैनेट जो पड़ा हुआ है वो भाग्य, वो किसी ऐसे नक्षत्र में है जिसका लॉर्ड भाग्य में पड़ा हुआ है या उसका भाग्य से कनेक्शन बन रहा है, तो थिंग्स कैन इंप्रूव। आप बोल सकते हो नहीं इस टाइम से आपका थोड़ा ठीक होने लगेगा, चीजें संभल जाएंगी। अगर आप देखते हो कि भैया इसकी तो 5 महीने में केतु की अंतर्दशा ही आने वाली है, तो आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हो सर इस दशा में आपका सेपरेशन हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्रेडिक्शन, और वो हो जाएगा ऐसा मान लीजिए आप, ज्यादा तो नहीं 90% वो प्रेडिक्शन सही निकलेंगे, 90%। देखो प्रेडिक्शंस निकालने के तो यही तरीके हैं, और किसी भी इंसान को आप स्पेसिफिक इंसिडेंट कभी प्रिडिक्ट मत करिए, अगर आपको पता भी लग जाए तो। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स मतलब इस डेट को इस हफ्ते या इसमें तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नो, जरूरी नहीं है हो, क्योंकि हमारी जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें एक सीरीज होती है, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कभी कभी प्राण दशा का गुरु भी बचा लेता है, सूक्ष्म दशा का गुरु भी बचा लेता है। आप इतने गहरे तो जाओगे नहीं, आप 6 प्लैनेट्स को तो देखोगे नहीं एक लाइन से। तो आपने ये बड़ी रिस्की प्रिडिक्शंस है, आपने करनी नहीं है, हालांकि कई बार पता लग जाता है हम लोगों को, लेकिन करना उचित नहीं है। और अब आगे चलते, अब आपका सूर्य नीच का 4थे घर में पड़ा हुआ है, उस पर राहु की भी दृष्टि है और किसी शनि वगैरह की दृष्टि है, शनि के नक्षत्र में, शनि 8वें पड़ा हुआ है। अब आपको यह पता लग गया इस इंसान की तबीयत बहुत खराब है, और आपने कंफर्म भी कर लिया, आपको मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आदमी 40-50 साल का है या 60 साल का है, वो कहेगा जी हाँ है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं दवाई लेता हूं। तो अब उसी प्लैनेट की दशा चल पड़ी है, अब ये दशा बहुत वीक दशा होगी, मतलब हेल्थ में ये प्रॉब्लम देगी देगी उस पर्टिकुलर दशा में, जब उसकी मतलब हेल्थ का एक ट्रेंड सेट हो गया कि ये हेल्थ से रिलेटेड वीक पीरियड है इसका, और पर्टिकुलरली किससे, हार्ट से रिलेटेड, सूर्य नीच का है, 4थे घर में पड़ा हुआ है, 4था घर भी इसी चीज का ही है, हार्ट का ही है, चंद्र का घर है। अब उस पे केतु की दृष्टि है, अब अगर सूर्य में केतु की दशा आ गई तो ये इस इंसान को झटका लग सकता है, क्योंकि केतु तो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, केतु तो चीजों को अंजाम दे देता है, जैसे हमने आपको वहां बताया, डाइवोर्स करा सकता है, ये करा सकता है, वो करा सकता है। तो केतु की दशा आते ही आप उसे वार्न कर दो कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
टेस्ट वेस्ट कराओ, ट्रीटमेंट वगैरह, ये दशा आपकी जो 2 महीने की आ रही है, दिस इज मोर रिस्की। तो दीज आर द प्रिडिक्शंस। अब एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे ये बताओ मेरी इस साल प्रमोशन होनी है या नहीं होनी, मैं सरकारी नौकरी में हूं। तो आपने उसकी दशा देखनी है उस साल की। प्रमोशन कराने वाला प्लैनेट कौन है, सिग्निफिकेटर कौन है प्रमोशन के लिए? सूर्य। सूर्य की कंडीशन देखनी। सूर्य की अगर अंतर दशा या परिंतर दशा बीच में आ रही है तो आपने बता देना हो सकती है जी। सूर्य अगर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड अच्छा है तो पक्का होगी, लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो। अगर सूर्य उसका वीक है और सपोज डेबिलिटेटेड सन है उसका छठे घर में, जो कि सरकारी नौकरी दे देता है लोअर पोजीशन में, और वो आ जाता है और सूर्य की दशा है, सूर्य तो उसका वीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि अड़चने हैं जी, मुश्किल है। क्योंकि वीक सन डज नॉट ऑलवेज गिव प्रमोशंस। हां अगर उसकी अंतरदशा किसी ऐसे प्लैनेट की है जो बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है और पॉजिटिव है, जैसे मंगल है या गुरु है या चंद्र है, उसकी दशा चल रही है और वो भी उसकी सरकारी नौकरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कई बार चंद्र भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब दे देता है, चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र में गुरु आ गया, गुरु में चंद्र आ गया, गुरु में कोई और ऐसा प्लैनेट आ गया, तो आप बोल सकते हैं हाँ जी मंगल, मंगल इज ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, कार का है एक्शन का, आपने कह देना जी चांसेस है। और अब कोई आदमी आता है जो कहता है जी मेरी ट्रांसफर ड्यू है जी, या मेरी देखिए मेरी ट्रांसफर कब होगी, तो ट्रांसफर कराने का प्लैनेट कौन सा है भाई? राहु। राहु ऐसा प्लैनेट है जब भी उसकी अंतरदशा आएगी आपको मूव कर देगा एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो आपको नौकरी में करे, घर में करे, या दूसरी नौकरी दिलवा दे, तो राहु मूव करेगा, अंतरदशा में जरूर करेगा। आप अपना चार्ट उठा के देखिए 80-90% चांसेस में अगर राहु की अंतरदशा होगी तो आपको कुछ ना कुछ मूव कर देगा। अब वो मूव कैसे करेगा वो देखना पड़ेगा किस घर में बैठा है, क्या वो आपके घर में को मूव करा रहा है या ऑफिस को मूव करा रहा है या नई नौकरी दे रहा है या ट्रांसफर करवा रहा है, क्या करवा रहा है। तो राहु इज ए कारका ऑफ ट्रांसफर चेंज। राहु एक झटके का प्लैनेट है, राहु की दशा आते ही आपको मूव करा देता है। राहु पे शनि की दृष्टि आ जाए, शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, तो फिर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये चीजें लेट मिलेंगी, लेकिन फिर भी राहु पूरी कोशिश करेगा। राहु को शनि के नक्षत्र में, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, अब शनि का इंपैक्ट आ गया राहु पे, शनि करने नहीं देगा। तो आप कोई आदमी आता है कहता है जी मेरी ट्रांसफर देखो, आपने देखना राहु शनि के नक्षत्र में तो नहीं है, शनि के में है तो थोड़ा सा उसी हिसाब से आपने बताना है जी थोड़ा सा मुश्किल चांस लग रहा है। और अगर राहु ठीक बैठा हुआ अच्छी डिग्निटी में है तो मूव करा दे, बोलो जी इस पीरियड में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी जो उसका अंतरदशा का पीरियड है। अगर कोई आदमी कहता है जी मेरी देखिए मेरी ट्रांसफर वगैरह हो रही है अभी अगले 2 महीने में ही, तो फिर आपने परंतर दशा को देखना है। तो प्रिडिक्शंस में आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी इज सो एक्यूरेट। ऐसे ही हर प्लैनेट का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, जो प्लैनेट जिस जिस का सिग्निफिकेटर है वो आप प्रिडिक्शन उस चीज से रिलेटेड आराम से दे सकते हैं।
केतु सेपरेशन का सिग्निफिकेटर है, स्पिरिचुअलिटी का सिग्निफिकेटर है, फायर ब्लास्ट का सिग्निफिकेटर है, राहु मूवमेंट का सिग्निफिकेटर है, ट्रैवल का सिग्निफिकेटर है, ट्रांजिट का सिग्निफिकेटर है, चंद्र भी आदमी को मूव करा देता है, चंद्र भी ट्रैवल का सिग्निफिकेटर है, माँ का सिग्निफिकेटर है, सूर्य फादर का सिग्निफिकेटर है। अब देखिए कोई इंसान आपके पास आता है, कहता है मेरे फादर की तबीयत देखना जी कुछ खराब चल रही है, ठीक कब तक होगी? आपने सूर्य को देखना है, दशाओं को देखना है। उसमें अगर सूर्य के ऊपर मैलिफिक इफेक्ट ज्यादा है, सूर्य शुक्र के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो दिक्कत ज्यादा है। देखिए ये सूर्य के जो बिटर एनिमी प्लैनेट है वो शुक्र है, हालांकि शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, लेकिन शुक्र भी बहुत बड़ा दुश्मन है सूर्य का। अगर शुक्र सूर्य के नजदीक गलत तरीके से बैठ जाए और नक्षत्र का स्वामी भी कहीं खराब हो और सूर्य पे राहु केतु या शनि की दृष्टि भी आ जाए तो पिता की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, पिता की, आपकी नहीं, क्योंकि ये प्लैनेट जीव कारक नहीं है, ना राहु ना केतु ना शनि जीव कारक नहीं, और सूर्य पिता को बीमारी दे देता है, शुक्र शुक्र पिता को बीमार, मतलब सूर्य को बीमारी दे देता है, सूर्य पिता है। ऐसे ही चंद्र का है, चंद्र के साथ शुक्र बुरे फल इतनी नहीं देता जितनी सूर्य के साथ देता है। जब भी एक प्लैनेट के ऊपर मैलिफिक एनर्जी दो से ज्यादा बढ़ जाती है तो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ नक्षत्रों की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र खराब है, मूला नक्षत्र खराब है, विशाखा भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, उत्तर भाद्रपद भी खराब है, पूर्व भाद्रपद भी कोई बढ़िया नक्षत्र नहीं कहलाता। तो ये नक्षत्र जो हैं ये अपने फल देते हैं जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र तंत्र मंत्र का नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ड्यूअल फेस फेसेट का नक्षत्र है, यानी कि आदमी जो है थोड़ा हिडन होता है। तो कोई प्लैनेट अगर पूर्व भाद्रपद में पड़ा हुआ है तो आपने वो हिडन पर्सनालिटी, मतलब ड्यूटी अपनी अच्छी करेगा लेकिन रात को उसके काम दूसरे होंगे, पार्टीबाजी दारूबाजी लड़कीबाजी ये सारे वाले काम होंगे उसके। तो कहने का मतलब ये है नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा सीन होता है प्रेडिक्शंस में। अभी हम आपको इस वीडियो में थोड़े से हम आपको टिप्स दिए हैं कि आपने प्रेडिक्शंस को कैसे करना है। संतान देखने के लिए गुरु और चंद्र को देखना बहुत जरूरी है, सूर्य को देखना बहुत जरूरी है, सूर्य काल पुरुष कुंडली में मालिक है संतान का, और विवाह के लिए शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, यानी कि दशाओं की बात हो रही है अब, और ट्रांजिशन के गुरु और शनि को देखना बहुत जरूरी है कि ट्रांजिशन में गुरु और शनि इनकी दृष्टि या तो विवाह के स्थान पे होनी चाहिए या सात नंबर राशि पे होनी चाहिए, तुला राशि पे, या विवाह के घर का जो लॉर्ड है उस पे होनी चाहिए या शुक्र पे होनी चाहिए। अब देखिए विवाह आप, आपको कोई भी आएगा कहेगा जी मेरी शादी नहीं हो रही, बताओ कब होगी, आप क्या करोगे? पहले तो दशाएं आप देखोगे, विवाह की दशा कब कब अच्छे प्लैनेट्स आ रहे हैं, अंतरदशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है विवाह में, लेकिन महादशा अंतरदशा है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हो जाएगा, अच्छे हैं तो दोनों प्लैनेट्स। अगर महादशा खराब है अंतरदशा अच्छी है तब भी ठीक है, एवरेज इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर आपने ट्रांजिशन के प्लैनेट्स को देखना है, यानी कि आज की डेट में गुरु और शनि कहां ट्रांजिट कर रहे हैं ऊपर सोलर सिस्टम में प्रेजेंट डे में,
और आगे आने वाले 6 महीने में, साल में, 1.5 साल, 2 साल में कहां ट्रांजिशन है। जिस सपोज शनि की ट्रांजिशन 11 नंबर में हो रही है, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उस चार्ट में 11 नंबर राशि से आप गिनना शुरू कर दीजिए। 11 नंबर राशि में ट्रांजिशन शनि की हो रही है, तो 11 नंबर से आप जब गिनेंगे, पहले तो देखिए 11 नंबर में कौन सा प्लैनेट है। क्या विवाह के घर का स्वामी है, तो इसका मतलब उस पर ट्रांजिशन कर रहा है वो। क्या वहां शुक्र है, तो बहुत बढ़िया है, उस पर ट्रांजिशन हो रही है। क्या वहां 7 नंबर राशि है, नहीं, क्योंकि 11 नंबर में है तो 7 नंबर राशि तो है ही नहीं। और शुक्र है, 7 नंबर राशि है, विवाह का स्वामी है या विवाह का घर है। अगर 11 नंबर राशि उसके विवाह स्थान पे पड़ी हुई है तो विवाह के घर पे उसकी ट्रांजिशन हो रही है, ये पॉजिटिव प्लस है। आप देखिए इसकी कब तक सैटर्न की ट्रांजिशन रहेगी इस पे, उस टाइम तक उसके चांसेस हैं। अब गुरु को देखिए, गुरु ट्रांजिशन में कहां भ्रमण कर रहा है। सपोज हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गुरु भ्रमण कर रहा है 4 नंबर राशि में, ऊंच का एक एग्जांपल लिया हमने। अब 4 नंबर राशि उसकी कहां पड़ी हुई है, 4 नंबर अगर उसकी विवाह में पड़ी हुई, इसका मतलब गुरु की विवाह पे ही भ्रमण कर रहा है उसके, तो इट इज ऑस्पिशियस। और या उसका 4 नंबर राशि लग्न में पड़ी हुई है, तो लग्न में उसकी 4 नंबर राशि है तो लग्न से 7वीं दृष्टि विवाह पे उसकी पड़ रही है गुरु की, जो ट्रांजिशन कर रहा है तो ऑस्पिशियस है। दृष्टि भी देखनी है आपने, भ्रमण भी देखना है आपने। गुरु और शनि, देखो गुरु और शनि आर द मेन प्लैनेट्स टू फिक्स यू फॉर मैरिज। दूसरा, गुरु शनि अगर ट्रांजिशन में सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि गुरु का भ्रमण या ट्रांजिशन और शनि का ट्रांजिशन अगर विवाह स्थान पे हो रहा है जो आप कुंडली देख रहे हो उसके, शुक्र पे हो रहा है जो आप कुंडली देख रहे हो उसके शुक्र पे हो रहा है, या 7 नंबर राशि में हो रहा है, या विवाह का लॉर्ड उस पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके विवाह को, मतलब ऑस्पिशियस तरीके से। अब आप आ जाइए उसकी दशाओं पे। दशाएं अगर उसकी फेवर अभी तक नहीं कर रही, कोई केतु राहु खराब प्लैनेट की दशा चल रही है, तो वो दशा निकाल दीजिए, अगली दशा देखिए कौन सी आएगी, अंतर दशा। अगर अंतर दशा अच्छी आ गई है और महादशा खराब है, तो 75% चांसेस हैं विवाह के। महादशा भी अच्छी है, अंतर दशा भी अच्छी आ गई है, तो यहां आपके चांसेस लगभग पूरे हैं, 90% हो गए। अब इस घटना को अंजाम देने के लिए मंगल को ले लीजिए। मंगल की छोटी सी दशा आते ही विवाह हो जाना है या विवाह फिक्स हो जाना है, क्योंकि एक्शन का प्लैनेट तो मंगल है, मंगल अंजाम दे देगा। और कई लोग प्रयंत्र दशा को भी देख लेते हैं, अगर प्रयंत्र दशा भी ऑस्पिशियस आ जाए अंतर के साथ, वो भी मंगल का काम कर लेती है, मतलब चांसेस पूरे हो गए। विवाह का स्थान अगर आपका डिस्टर्ब्ड है, विवाह के स्थान का स्वामी 8वें पड़ा हुआ है, तो विवाह मुश्किलों से होगा और उसी की दशा चल रही है। विवाह के स्थान पे डबल इंपैक्ट नेगेटिव है, उन्हीं की दशा चल रही है, तो आप बता सकते हो भाई दिक्कत से होगा, आप एफर्ट्स करो। देखो कोई भी इवेंट बगैर एफर्ट के नहीं होती, ये आप बिल्कुल बता दो किसी जो भी आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई योग बना हुआ है और उसमें हमारा एफर्ट बिल्कुल नहीं है, तो उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। उसके चांसेस तब रहते हैं जब हमारा चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या बुरे फल बगैर कुछ बुरे काम किए तब मिलते हैं जब हमारा चार्ट बहुत ही बुरा हो,
तो इसलिए जो भी आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जैसे सपोज कोई कोई शादी के लिए पूछने आता है, तो आप उसे कहिए आप ढूंढिए रिश्ता, प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइम आपका रिश्ता हो जाएगा। कोई नौकरी अगर सपोज पूछने आया, नौकरी मेरी कब लगेगी, मैं तो एक साल से खाली बैठा हूं, अब बोलो आप ढूंढिए नौकरी, ये वाला पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है, ये इस पीरियड में आपकी नौकरी लग जाएगी और लग ही जाएगी, आप ये मान लीजिए अगर आपने सही तरीके से उसको देखा है। तो दशाओं का इंपैक्ट जो है प्रेडिक्शंस में इस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि दशाएं किस तरीके से हैं, जिन प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं वो मारक हैं या कारक हैं, और किस किन किन चीजों के वो सिग्निफिकेटर हैं, किन हाउसेस में बैठे हैं, जिन हाउसेस से रिलेटेड उसके काम होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वंस यू आर इन प्रैक्टिस तो ये चीजें फिर आसान लगने लगेंगी आपको। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल फिर आपसे बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमारी वीडियोस वगैरह आप तक पहुंचे और आप उन्हें एंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच।